हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 28 मार्च 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस थे 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर 25 मार्च। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या फिर देना बैंक। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और आरबीआई ने स्विफ्ट परिचालनों के संबंध में विनियामक निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पीएनबी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्विफ्ट एक वैश्विक मैसेंजिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर बैंक लेन देन पर जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। अब ये टर्म आया है स्विफ्ट, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम, इसका फुल फॉर्म होता है। और एक और टर्म यहाँ पर आपको मिला आरबीआई। आरबीआई के बारे में जानिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। पहले हैं एमके जैन, दूसरे बीपी कानूनगो, तीसरे विरल आचार्य और चौथे हैं एनएस विश्वनाथन। ये आरबीआई के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं जापान, फ्रांस, क्रोएशिया, मलेशिया। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्रोएशिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे भारत और क्रोएशिया के बीच आपसी संबंधों के विकास और पारस्परिक सहयोग के विकास और दोनों देशों के लोगों के बीच साझेदारी में उनके असाधारण योगदान के लिए सैस और ग्रैंड स्टार के साथ ग्रैंड टोमसाओ के ग्रैंड ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अब ये सम्मान क्रोएशिया द्वारा दिया गया है, तो हम सबसे पहले वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें क्रोएशिया, यहाँ पर होगा क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल है जागरेब, यहाँ की करेंसी है क्रोएशियाइन कूना और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कोलिंडा ग्रेबर किट्सेविक। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भारतीय लेखा मानक किस तारीख से लागू किए जाएंगे? ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 2019, 1 मई 2019, 1 अप्रैल 2020 या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि ये कब से लागू किया जाएगा। आरबीआई ने नए लेखांकन मानदंडों के कार्यान्वयन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है क्योंकि संबंधित कानून में आवश्यक संशोधन किए जाने बाकी हैं। इस कदम से उन बैंकों को बड़ी राहत मिलेगी जो अभी तक स्टेट्स की पहचान नहीं कर पाए हैं और जरूरी प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए उच्च पूंजी की जरूरत होगी। आरबीआई के बारे में आपको इसी वीडियो में बताया जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमेरिका ने किस देश से अतिरिक्त बड़े पैमाने पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है? ऑप्शंस हैं ईरान, उत्तर कोरिया, चीन, रूस। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, उत्तर कोरिया। अमेरिका ने उत्तर कोरिया से
22 तरह के प्रतिबंध हटाने के फैसले लिए हैं। अब यहाँ पर दो कंट्री की बात हो रही है, उत्तर कोरिया और अमेरिका। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं। अमेरिका, अमेरिका के बारे में जानिए। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। और दूसरी कंट्री थी हमारी उत्तर कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया। देखिए ये है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है पियोंगयांग और यहाँ की करेंसी है वॉन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग इन। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत द्वारा सैटेलाइट तक मार कर सकने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया है? ऑप्शंस हैं मिशन आकाश, मिशन गगन, मिशन शक्ति, मिशन पराक्रम। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मिशन शक्ति। भारत द्वारा सैटेलाइट तक मार कर सकने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण मिशन शक्ति के तहत किया गया है और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया था। भारत ने एक ऐसी सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट मिसाइल द्वारा एक लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और इस परीक्षण को मिशन शक्ति के तहत सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इससे पहले यह कारनामा तीन देश और कर चुके हैं, पहला है अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन, यानी कि भारत चौथा देश बना है जो ऐसा कर सकने में सक्षम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में चक्रवात इडाई ने तबाही मचाई है? ऑप्शंस हैं मोजाम्बिक, सूडान, लीबिया, मोरक्को। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मोजाम्बिक। इडाई नामक चक्रवाती तूफान मोजाम्बिक देश में आया है। यूएन संस्था ओ सी एच ए के मुताबिक अफ्रीकी देश मोजाम्बिक ने चक्रवात इडाई के कारण तकरीबन 18.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बतौर ओ सी एच ए जिम्बाब्वे, मलावी और मोजाम्बिक में इडाई से काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। अब यहाँ पर देश का नाम आया है मोजाम्बिक, तो वर्ल्ड मैप देखते हैं। ये है वर्ल्ड मैप और इसमें मोजाम्बिक, ये है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुटो और यहाँ की करेंसी है मेटिकल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूनसी। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अवैध तरीके से बाइक टैक्सी का संचालन करने को लेकर ओला पर कुल 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी का संचालन करने को लेकर, अवैध तरीके से संचालन को लेकर ओला पर 15 लाख का जुर्माना लगाया है। इससे पहले राज्य सरकार ने ओला के परिचालन पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था, हालांकि बाद में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया था। अब यहाँ पर एक स्टेट का नाम आया है कर्नाटक, तो हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं। देखिए ये है इंडिया का मैप और इसमें कर्नाटक, यह है कर्नाटक। कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों से लगती है। यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर, यहाँ के गवर्नर हैं वजूभाई वाला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं HD कुमार स्वामी। कर्नाटक जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 968 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ का लिंगानुपात 75.36 सॉरी यहाँ का साक्षरता दर 75.36% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.47% और महिला साक्षरता दर 68.08% है। ये कर्नाटक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकतांत्रिक सुधार और पिछले 6 दशकों में विकास की छलांग पर एक श्वेत पत्र किस देश द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, रूस, भारत। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, चीन। लोकतांत्रिक सुधार और पिछले 6 दशकों में विकास की छलांग पर एक श्वेत पत्र चीन देश द्वारा जारी किया गया है। चीन, चीन के बारे में जान लेते हैं वर्ल्ड मैप के द्वारा। देखिए ये है चीन, चाइना। यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है यहाँ की रिमिनबी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं सी जिनपिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
स्कॉट वॉकर का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शंस हैं पत्रकार, साहित्यकार, गीतकार, राजनेता। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, गीतकार। स्कॉट वॉकर गीतकार थे, 20वीं शताब्दी के सबसे नवीन और स्थायी गीतकारों में से एक। स्कॉट वॉकर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वॉकर ब्रदर्स ग्रुप में ग्रुप ने पहली बार 1960 के दशक के मध्य में अपना अपने गीत को प्रस्तुत किया था। अब आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? ऑप्शंस हैं नंदन नीलकेड़ी, उषा सुब्रमण्यम, वाईवी रेड्डी, विमल जालान। ये आज के यानी कि 28 मार्च 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।